माननीय सभापति महोदय, उपस्थित बरेण्य विचारक मंडली, अभिभावक गण, मोर पूज्य गुरुजी वृंद, प्रतियोगी गण ओ मोर प्रिय सहपाठी माने, गुरु शिष्यर संपर्क अभेद्य ओ अच्छेद्य। बापा माँ जन्म दिंती सत, किंतु गुरु हेउचंती मनुष्य गठनर सुदक्ष निर्माता ओ सत् मार्गदर्शक। स्कूल शिक्षा सहित आदर्श छात्र जीवन गठन पाई आमर प्रिय प्रधान शिक्षक आम प्रति ध्यान दे आसी। अभिभावक सम्मिलनी, पुरस्कार वितरण उत्सव, बणभोजि, तर्क प्रतियोगिता, परीक्षा परिचालन से थिले दक्ष। परिवार ठारु दूरे रही विद्यालय सर्वकालीन उन्नति पाई से समर्पित थिले। स्कूल प्राचीर ठारु स्कूल सुनाम पर्यंत सबुठ थिला तांकर सुदक्ष हाथर स्पर्श। समय निवर्तितारे से थिले अति कठोर। स्कूल घंटा बाजिबा पूर्वरु से निज कर्तव्यरे जुग देउथिले, तेणु अन्य शिक्षक ओ छात्र थिले सतर्क ओ सजाग। घरर मुरबी परि से आममानकु शुभकांक्षी करुथिले। से आमकु बाट भल बाट देखाइछन्ती। जदि केबे बि आमे उपरे क्रोध करिछन्ती ता केवल सुधारिबा पई ओ आकट पई। विद्यालयर वार्षिक उत्सव रे से निजे नाटक रचना करी निर्देशना देइछन्ती। एकाधारे से लेखिबा एवं निर्देशना देवा सहित केउ छात्र अभिनय रे केते सफलता अनुध्यान करुथिले। तांकरी प्रेरणा बळरे एही स्कूल रो केतेक छात्र आज मंच बेतार चलचित्र रे अभिनय करी सुख्याति अर्जन करिछंती। दीर्घ वर्ष धरी से पुओ झियो परी केते जे छात्र गढ़िछंती तार आयत नाही, सेमाने समस्ते ताकु स्मरण रखिबे। सेही सारंकु ना सुनिबा मात्रे मथा नोई जाए। क्रीड़ा बालचर आंतस्कूल प्रबंध प्रतियोगिता इत्यादि स्कूल छात्र माने सफल हेबा और पुरस्कृत हेबा पछरे सी प्रच्छदपट नायक। से हेले आम विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त नारायण सिंह। आम विद्यालय रूपक उड़ाजहाज से हेले पायलट, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। से जेपरी पालन करती सेहीपरी ताड़ना मध्य करती। ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା ଆନ୍ତରିକ ସଦ୍ଭାବ। ସେ ଭୁଲ ପାଇଁ କଠୋର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର କୋମଳ। ତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମା ଭଳି ଦୈବଗୁଣକୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କେବେ କାହାରିକୁ ଅର୍ଥଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ସାହାଯ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇଥାନ୍ତି। ସେ ହିମାଳୟ ପରି ସୁଉଚ୍ଚ ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁଶୀତଳ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ। ହେ ବିଦାୟୀ ମହାରଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦୈବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆଗାମୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାଷଣଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।